हम साइकिल की राइड में जा रहे हैं और अभी हम जाने वाले हैं जापानीज गार्डन। तो अभी रास्ता में है, देखते हैं, चलते हैं। मज़ा तो बहुत आ रहा है, क्या बताएं। बस देखते रहिए, आपको जापानीज गार्डन जल्दी पहुंचा देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे घूमना है तो आपको पूरा दिन देना पड़ेगा, नहीं तो आप आधा ही घूम पाएंगे। आराम से आइए सुबह सुबह, हर दिन का अलग अलग टाइमिंग है, तो फिर नेट में चेक करके आ जाएगा। आज सैटरडे है तो आज 12 से 7 बजे तक खुला रहता है, तो फिर आए हैं 12 बजे। ठीक, पूरा घूम रहे और चलते चलते पूरा थक गए, इसलिए ट्रेन वाला लिए थे और अभी साइकिलिंग कर रहे। ये करने से हेल्थ भी बना रहेगा और मज़ा तो अलग ही आ रहा है। अभी जापानीज वाला चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं आपको वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ के एंट्री जो था, आपको दिखाए थे जब हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, तो वहाँ थोड़ा देर के लिए रुकता है। तो अभी अच्छे से एकदम एंट्री मार के जाएंगे। सब हम पहुंच गए यहाँ जापानीज फॉरेस्ट में, तो यहाँ अंदर जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो कि बनाई गई है। एक तरह से जान लीजिए कि मिनी जापान। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे बनाया है वो जापान को कॉपी करके, तो दिखाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बनाया गया है ये बुद्धा का स्टैचू, पीछे देखिए। और आगे जाते हैं, यहाँ का जो एंट्री फी है वो एकदम फ्री है, तो आराम से आप आ सकते हैं। जो वहाँ पे जो दिए थे इको पार्क के लिए 30 में, आराम से यहाँ घूम लीजिए, यहाँ फ़ोटो भी मस्त आएगा। यहाँ पे एक गेट टाइप का बनाया है, बड़ी अच्छा लग रहा है, एकदम डिट्टो कॉपी करने की कोशिश की है जापानीज लोगों का। और यहाँ पे कुछ स्टैचूस है, बहुत ही अच्छा बनाया है। सो आगे चलते हैं, बहुत ही पसीना आ रहा है, क्या बोले। और ये एक फॉरेस्ट टाइप में बना दिया एकदम टनल। ये भी बड़ी मस्त लग रहा है। सो ये जापान का ट्रेडिशनल बिल्डिंग टाइप का बनाया गया है यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा बनाया है। और क्या बोलते हैं, इसका लुक एकदम लग रहा है कि हम पहुँच गए जापान में। जो भी बोले, इसका गेट, एकदम लग रहा है कि हम पहुँच गए जापान में। और वहीं पर है ये मॉनेस्ट्री बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। अंदर चलते हैं, यहाँ का मॉनेस्ट्री देखते हैं कैसा है। ये देखिए, आज मेरा सपना पूरा हो गया कि जापान जाने का। ये देख लीजिए पीछे, बहुत ही अच्छा है, पूरा जापान पहुंचा दिया हमको। यहाँ आने के बाद एकदम लग रहा है कि पूरा जापान वाला वाइब से सपना पूरा हो गया। जब भी बोलिए, इधर से इधर देखिए, मस्त दिख रहा है ये ऊपर नजारा। हूँ चलिए और आगे चलते हैं। ये कुछ जापानीज फ्लैग लगा दी है वाइट कलर का, दिखाते हैं आपको। अभी हम टोक्यो में हैं, टोक्यो घुमा रहे आपको।
अभी हम टोक्यो में हैं और पूरा टोक्यो घुमा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेवन वंडर में, जो कि यहाँ बनाया गया है इको पार्क में और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। और जो इसका एंट्री फी है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है, तो फिर अगर आपको यहाँ एंट्री लेना हो तो फिर 30 रुपीज़ लेके यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो आपको दिखाते सेवन वंडर का कुछ वीडियो सिनेमैटिक। और मेरे पीछे देख रहे हैं ताजमहल, पीछे देखिए मस्त ताजमहल दिख रहा है एकदम चकाचक। और ये हम पहुंच गए रियो, पीछे देख लीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।